तो मुझे लगता है कि महिलाएं इस बार चिराग पासवान जी को चांस देना चाहेंगी। जिस प्रकार से महागठबंधन का बैठक हुआ, इसको कैसे देखते हैं? गीदर की मौत आती है तो वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते, क्योंकि बिहार की जनता जी को सफलता नहीं मिलेगा। आपको लगता है मिलेगा? नीतीश जी को पिछली बार सफलता मिली थी। राजद वाले तो बोल रहे हैं कि आपकी बनेंगे ही राजद वाले तो कुछ भी बोलते हैं, आप सबकी बातों पे। तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के पहले तो वो चाचा जी हटेंगे नहीं उनके। आपको लगता है ये डन है कि चाचा जी नहीं हटेंगे? आपको लगता है हटेंगे? वो अर्थी तक लेके जाएंगे अपनी कुर्सी। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी चिराग पासवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और अभी कई नेता ज्वाइन किए हैं लोजपा रामविलास को। क्या नाम हुआ मैम? अंजलि। आप भाजपा से यहाँ आई? मैं पहले जर्नलिस्ट भी रही हूँ, उसके बाद भाजपा में आई हूँ, फिर यहाँ आई हूँ। जी, तो क्या उम्मीदें देखते हैं चिराग पासवान में, क्या बेहतर लगता है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैं बिहार से हूँ, मैं चाहती हूँ कि बिहार अपने आगे हो, सक्सेसफुल हो। बिहार क्या चीज़ में आगे हो? हर चीज़ में, एजुकेशन में आगे हो। अभी उन्होंने बोला कि बाहर के लोग भी यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बिहारियों को पहले जॉब मिले, उसके बाद बाहर के लोग आएँ। वेलकम है, अगर यहाँ से वैकेंसी बची तो बाहर के लोगों के लिए भी वेलकम है। शिक्षा मंत्री का बयान जिस प्रकार से आया, उसको कैसे देखती हैं? आज ही सारा, हाँ आज ही किया है। अरे तो कोई दिक्कत नहीं, महिलाएं वोट देंगी चिराग को? बिल्कुल देंगी, क्यों नहीं देंगी? देंगी, बिल्कुल देंगी। महिलाओं को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, आगे हमारा बिहार बढ़े, इससे लोगों को क्या दिक्कत होगी? चिराग पासवान मुख्यमंत्री के लिए बेहतर है? बहुत बेहतर है। चिराग पासवान की पार्टी में, कहें तो लोजपा रामविलास में, आज कह सकते हैं कि बहुत से नेता ज्वाइनिंग किए हैं, उसमें एक अभी हैं भाजपा से आई हैं। क्या कुछ उद्देश्य लगता है यहाँ पार्टी में आने का? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि देश में बिहार का नाम आगे बढ़े, बिहार राज्य आगे बढ़े, चाहे वो एजुकेशन हो, फिनंशियली हो, कोई कंपनी लगाने की बात हो, हर चीज़ में मैं चाहती हूँ कि बिहार आगे बढ़े। और सभी पार्टियों में और यहाँ पार्टी में क्या अंतर लगा है लोजपा में या और पार्टियों में, जैसे पिछले पार्टी में थे बीजेपी में, बीजेपी को लेकर क्या कहें? बीजेपी एक बहुत अच्छी पार्टी है, बट मुझे राज्य के स्तर पे कुछ करना था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। चिराग पासवान क्या महिलाएं सपोर्ट करेगी चिराग पासवान? बिल्कुल करेंगी। किसी भी महिला को सुरक्षित भविष्य चाहिए, किसी भी महिला को अपने वो जो शराबबंदी वगैरह जो कर रहे हैं उससे मुक्ति चाहिए। इनको भी शराबबंदी किया तो है उन्होंने, लेकिन सिर्फ धरातल स्तर पर वो कामयाब नहीं रहा उनका। तो मुझे लगता है कि महिलाएं इस बार चिराग पासवान जी को चांस देना चाहेंगी। अभी जिस प्रकार से महागठबंधन का बैठक हुआ, इसको कैसे देखते हैं? अब मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो जब गीदर की मौत आती है तो वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वही हालत है उनकी। अभी उनको लग रहा है कि उनसे कुछ हो नहीं पाएगा, तो भाई इनको भी ले लो, उनको भी ले लो, थोड़ा इनको भी ले लो, मिलकर चाट बनाओ, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता। नीतीश जी को सफलता नहीं मिलेगा? आपको लगता है मिलेगा? नीतीश जी को पिछली बार सफलता मिली थी। राजद वाले तो बोल रहे हैं कि आपकी बनेंगे ही राजद वाले तो कुछ भी बोलते हैं, आप सबकी बातों पर थोड़ी मान लेंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के पहले तो वो चाचा जी हटेंगे नहीं उनके। आपको लगता है ये डन है कि चाचा जी नहीं हटेंगे? आपको लगता है हटेंगे? वो अर्थी तक लेके जाएंगे अपनी कुर्सी, मुझे लगता है। नहीं छोड़ेंगे इस बार? नहीं, वो नहीं छोड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार वो फिर से हट के किसी और पार्टी में जाएंगे। भाजपा में जाएंगे? खबरें चल रही है भाजपा उजपा का विवाद चल रहा है। अब वो जाना चाहे ना जाना चाहे मुझे नहीं पता, लेकिन क्या भाजपा उनको लेगी? हर बार एक ही गलती क्यों करेगी? अगर इस बार भाजपा उनको लेती है तो उनसे बड़ी बेवकूफ़ वाली पार्टी और कोई नहीं होगी। वैसे राजनीति में कुछ भी कह नहीं सकते, कुछ भी तय नहीं होता। अच्छा, लोजपा रामविलास का जो अभी चिराग पासवान है, अभी आप सामने ज्वाइनिंग कर रही थी, तो क्या इनमें मुख्यमंत्री बनने की संभावना देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, तभी तो आई हूँ। मुख्यमंत्री बनेंगे इसीलिए आप आई हैं? नहीं, मुख्यमंत्री की संभावना देखती हूँ, किसी भी चीज़ में होप तो नहीं खो सकते ना। मैं इनके लिए आई हूँ कि चलो मैं राज्य की सेवा करूँ, और उसके साथ साथ अगर चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वही एक फेस है अभी जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार में। आपको कोई चेहरा दिखता है? और अभी संख्या बल के आधार पे थोड़ा ये हो जाता है विधायकों की संख्या। हमारी कोशिश तो यही रहेगी, हमने लोजपा ज्वाइन किया तो हमारी कोशिश तो यही रहेगी, आगे का देखते हैं। महिलाओं को समर्थन, महिलाओं बिल्कुल समर्थन देंगी इनको। मैं आई हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि सारी महिलाएँ इनका समर्थन करें। धरातल स्तर पर मुझे काम करना है, मुझे बैठ के सिर्फ मीडिया में बयान नहीं देना, मुझे काम भी करना है। तो मैं चाहूँगी कि मैं महिलाओं के लिए इतना कन्विंस करूँ कि वो इनकी पार्टी को सपोर्ट करें। अच्छा अंजलि जी, आप बिहार से हैं, अभी महिला सुरक्षा को लेकर कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लग रहा कि महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित है बिहार में। सुरक्षित
बिहार में अगर पटना को छोड़ दिया जाए तो आपको लगता है कि सारी जगह पे सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता। अगर पटना में थोड़े एरिया को अगर छोड़ दिया जाए, आप थोड़े एरिया में जाओ, आप राजीव नगर के अंदर चले जाओ या फिर आप वहाँ कच्ची तालाब के अंदर चले जाओ, आखिर बहुत सारे केसेस आते हैं जो छेड़छाड़ के होते हैं। पटना में ही सेफ नहीं है? पटना में कुछ जगहों को छोड़ के बाकी जगह तो सेफ नहीं है, और बाकी पटना को छोड़ दिया जाए तो बिहार में, बिहार एक सिर्फ पटना तो है नहीं, बिहार में काफ़ी ये है, तो उसमें से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है महिलाओं को लेके, और इसी चीज़ को मुझे ठीक करना है। अभी जिस प्रकार से बिहार में कहा जा रहा है कि राजद के साथ जाने से क्राइम बढ़ रहे हैं, ये कई भाजपा नेताओं का कहना था, लोजपा नेताओं का कहना, उसको कैसे देखते हैं? मैंने भी सुना था, जब मैं छोटी थी तो मैंने भी सुना था कि 7 बजे के बाद लड़कियां नहीं निकलती थी, ऐसे होता था। फिर से RJD आई, RJD के आने के बाद फिर से मुझे लगता है कि माहौल वैसा ही बनता जा रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे मिलके कि हम लोग इस माहौल को सुधारें। माहौल को सुधारें, ये बात कर रहे थे हमारे साथ, अभी भाजपा से आए हैं लोजपा रामविलास में, अंजलि जी नाम बताए हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ, आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।